Hey guys, so let's start the topic where we have stopped in our last video. तो आपको पता है कि previous video में मैंने आपको जो important basic terms है वो मैंने आपको बताना start किया था. Already मैंने बहुत सारे points आपको बता दिए थे. अगर आप screen पे देख पा रहे हो तो आपको liabilities तक मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे एक तरीके से highlight भी किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए. उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है? फिर लेकिन साथ साथ में बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके. यहाँ ज्वाइन वाले बटन के क्लिक करने के बाद आपको बीकॉम का जो यहाँ पे बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद फिर आपको ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी. आपको इग्नू का जो असाइनमेंट है वो आपको सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. आपको जो नोट्स हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहेंगे. और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से 24/7, जहाँ पे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का डाउट अगर आपको होता है तो आपको वहां से जो है सर्विसेज हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है? तो ये तो बेनिफिट हो गया. अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में, जहां से मैंने शुरू करना है वहां से मैं शुरू करता हूँ. कैपिटल हमारा टॉपिक होने वाला था इस वाले वीडियो का. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैपिटल. सो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स. इट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स एंड इज नोन एज द ओनर्स इक्विटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स और नेट वर्थ. तो कैपिटल जो होता है ना किसी भी कंपनी का, वो पैसा होता है जो कोई भी ओनर पहली बार अपनी बिजनेस में डालता है. और वो बिजनेस जो होता है लायबल होता है उस ओनर को पैसे वापस करने को, इसलिए इसको कहा जाता है ओनर्स इक्विटी. आपने अब जो प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इक्विटी होती है, ओनर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स इक्विटी. तो जितने पैसे आप किसी और से लोगे उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे. और कुछ पैसे जो आप स्टार्टिंग में बिजनेस वाला जो है, जो बिजनेसमैन है वो पैसे लगाता है, ओनर लगाता है, उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी. तो जो स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं ना उसी को हम बोलते हैं कैपिटल. कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर पैसे लगाता है एंड वो ओनर्स के क्लेम को रिप्रेजेंट करता है ओनर्स के एसेट्स के ऊपर, और उसे हम क्या कहेंगे, ओनर्स इक्विटी. इसे हम नेट एसेट या फिर नेटवर्थ भी बोल सकते हैं. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉ का मतलब आपको पता है, ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना नहीं, ड्रॉ का मतलब पैसे निकालना, ड्रॉ का मतलब निकालना. तो ड्रॉइंग का मतलब यहाँ पे जब आप पैसे अपने इस्तेमाल के लिए निकालोगे तो हम उसे कहेंगे ड्रॉइंग. अगर आप बिजनेस के इस्तेमाल के लिए निकालोगे तो उसे हम ड्रॉइंग नहीं कहेंगे, बट अगर आप बिजनेस से पैसे अपने इस्तेमाल के लिए निकालते हो तो हम उसे कहेंगे ड्रॉइंग्स. देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स रेफर्स टू द अमाउंट विथड्रॉन ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इट्स ओनर्स इक्विटी. प्रॉफिट जो होता है वो पैसा होता है जो कि उसकी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से. तो जो ज्यादा पैसा जो एक्स्ट्रा हुआ, सपोज आपकी इनकम है 10,000, आपका एक्सपेंडिचर है 8,000, तो आपका इनकम कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 रुपए का, है ना? आपकी टोटल इनकम थी 10,000, टोटल एक्सपेंडिचर था 8,000, 10 में से 8 गया, 2,000 आपका बचा, 2,000 रुपया आपका क्या है, प्रॉफिट है. इसे हम कहेंगे ओनर्स इक्विटी. लॉस क्या होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम कम होगा जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे लॉस. इन वन सेंस लॉस मींस मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट. आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिला. फॉर एग्जांपल कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एंड एक्सीडेंट. सपोज आपको पैसे जो है जल आग लग गया किसी चीज में या वो सामान जो है चोरी हो गया तो वो पैसे आपके पास कभी नहीं आएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर समझे तो जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ओवर इनकम विदिन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे. इन 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 ईदर केसेस लॉस डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी. हर एक केस में चाहे चोरी हो जाए, आग लग जाए या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरीके से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, दोनों केसेस में आपकी क्या होती है, ओनर्स इक्विटी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना? इनकम के पे चलते हैं. इनकम का मतलब क्या होता है भाई, इनकम का मतलब होता है इनकम ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू. इनकम का मतलब रेवेन्यू होता है. इट इज द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट इट्स मेजर और सेंट्रल एक्टिविटी, है ना? इनकम वो पैसा हो गया जो कि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी को करके जो पैसा आप कमा पा रहे हो उसे हम कहेंगे इनकम. फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप गुड्स को सेल करोगे या सर्विसेज को सेल करोगे तो जो पैसे आपको मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनकम, ठीक है? नाउ अगला पॉइंट है गेन. गेन इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस.
गेन्स वो सारे प्रॉफिट्स एंड यू नो प्रॉफिट को कहेंगे जो कि एक तरीके से अराइज होगा जब आप कोई इंसिडेंटल काम करोगे। सपोज आपने अपने एसेट को सेल कर दिया, वहां से आपको यू नो पैसे मिले, तो उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसे गेन बोलेंगे। प्रॉफिट तब होता है जब आप एक्सपेंडिचर भी करते हो और आपको इनकम भी होता हो। लेकिन गेन का मतलब होता है कि यहाँ कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, यहाँ पे आप अपने एसेट्स को सेल कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे गेन। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में भी है, सच एंड सेल ऑफ एसेट, जब आपने एसेट को सेल किया, विनिंग अ कोर्ट केस, आपने कोई कोर्ट केस जीता, आपकी लैंड की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, आपका लैंड 4 लाख रुपए का था, अभी 12 लाख रुपए का हो गया, तो 8 लाख रुपए का क्या हुआ, उसे हम क्या प्रॉफिट बोलेंगे? नहीं, उसे हम बोलेंगे गेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंटिंग में नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आप लगातार किसी व्यक्ति के साथ ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है कि आप अगर इतने रुपए का सामान हमारे पास से लिखोगे, आई मीन खरीदोगे, तो आपको 10% 15% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, है ना। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस दैट दीज डेज टू प्रिंट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन इट्स पैकेज। द प्राइस सो मेंशन्ड ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। When you buy an article, the seller may agree to give you some concession and charge a price which is less than the list price, है ना? Suppose आपने कोई सामान खरीदा, उसके सामान के ऊपर जो है 35 रुपए का प्रिंट प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन उसने आपसे 30 रुपए लिए, तो आपको क्या मिला? आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 5 रुपए का, आप समझ रहे हो? Such concession or reduction in price is called trade discount. This is an allowance given by the seller to the buyer on the list price at the time of sale. ये जो अलावेंस है ये सेलर को दिया जाता है, सेलर देता है बायर को, कब? जब वो सामान खरीदता है। ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। सपोज अ बुक सेलर, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, देखो कि सपोज कोई बुक सेलर है जो कि 10 कॉपीज खरीद रहा है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग बाय आर प्राइस एट 25 रुपया। 10 कॉपी खरीदा 25 रुपया करके, कितना प्राइस पड़ा? 250 रुपए। उसको 10% का डिस्काउंट मिला, है ना, तो 200 उसका एक्चुअल प्राइस कितना पड़ा? 225, क्योंकि 25 गुना 10, एक कॉपी का दाम 25 है, 10 कॉपी का दाम हो गया 250। 250 में से 25 रुपया उसको डिस्काउंट मिल गया, 10% का डिस्काउंट 25 रुपया, तो टोटल जो उसको पैसे कितने पेमेंट करने हैं, उसको टोटल पेमेंट करने हैं 225। अरे चुप हो जा यार, क्या कर रहा है? तो उसको टोटल पैसे कितने पेमेंट करने हैं? 225। द बायर पेज ओनली द नेट प्राइस। बायर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ नेट प्राइस को पे करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बाकी का है उसको मैं नहीं कर रहा, कैश डिस्काउंट पे चलते हैं कि आखिर कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आप सामान को कैश में खरीदते हो किसी के पास से, तो वो जो है आपको कैश डिस्काउंट देता है। आपको डिस्काउंट देता है कि अगर आपको एक ही बार में आप मुझे सारे के सारे पैसे अभी पे कर दोगे तो मैं आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दूंगा। अब आप सोचो कि सपोज मैंने कोई सामान लंबे समय के बाद किसी को धीरे धीरे करके मैंने पेमेंट पूरा किया, एक साल में मैंने पेमेंट पूरा किया, तो देखना आपको ईएमआई पे इंटरेस्ट लग जाता है, और अगर आप तुरंत दे दोगे तो हो सकता है कि 1000-2000 रुपए का आपको छूट मिल जाए। तो सोचो कि इससे तो एक तरीके से बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप ये सोचो कि अगर वही पैसे वो एक साल के लिए किसी बैंक में जमा करके भी इवन रखता तो भी उसको उससे ज्यादा पैसे मिल जाते जितना का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। आप समझ रहे हो ना ये चीज? So when goods are sold on credit, the buyer is expected to pay the amount on or before the due date. However, if the buyer makes the payment before the due date, the seller may allow him to some reduction in the amount due and settle the account. है ना, वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि आप अगर ड्यू डेट से पहले मुझे पेमेंट कर दोगे तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूं। सपोज आपको 200 रुपए देने हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 190 रुपए ही दो, अगर लेकिन आप टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार पढ़ लो, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा, आगे चलते हैं। नाउ वाउचर, वाउचर क्या होता है? सो वाउचर का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंटरी रिटन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर, ठीक है ना। एक ट्रांजेक्शन का रिटन एविडेंस है ना, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसका लिखित तौर पर जो कागज आपको मिलता है उसको हम कहते हैं वाउचर। जब हम कोई सामान खरीदते हैं उधार में या फिर ऐसे भी पैसे देख करके, तो देखना वो आपको बिल देता है, उसे हम वाउचर बोल सकते हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे वाउचर। इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश एंड वी गेट अ कैश मेमो, हमने गुड्स सामान को जो है कैश में खरीदा और हमें कैश मेमो मिला, तो वो क्या है आपके लिए? एक किस्म का वाउचर है। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट, अगर हम लोगों ने उधार में खरीदा तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें इनवॉइस मिलेगा, एंड सो ऑन। Entries in the books of account are made with the help of such vouchers. तो ये जो entries होंगी कि cash में मैंने यहाँ से खरीदा या उधार में खरीदा, इसको जो entry हम करेंगे तो वो किसके जरिए करेंगे? वो vouchers को देख करके करेंगे। इसको मैंने सामान cash में खरीदा तो cash memo है मेरे पास, वो भी voucher है,
और जो सामान मैंने उधार में खरीदा है उसका इनवॉइस है मेरे पास, वो भी मेरे लिए क्या है, वाउचर है। ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या पर कौन होता है? सॉल्वेंट वो आदमी होता है जिसके पास अपने जो भी उसका क्लेम है बिजनेस का उसके ऊपर, वो उसको पूरा पे कर पाता है, तो वो सॉल्वेंट कहते हैं। सपोज मेरा बिजनेस को मैं, मुझे 100 रुपए देने हैं, मेरे बिजनेस जो है मुझसे 100 रुपए पाएगा, तो मैं अगर 100 रुपए देने में समर्थ हूँ अपने बिजनेस को तो मैं सॉल्वेंट हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास 10 रुपए रहेंगे, मैं 90 रुपए नहीं दे पाऊंगा तो मैं इंसॉल्वेंट होने लगूंगा। मैं इंसॉल्वेंट हो गया कि मैं तुम्हारा पैसा दे ही नहीं पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेट्स इन फुल एंड इज सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, है ना। एक पर्सन जो कि अपने डेट्स को, अपने उधार को चुकता नहीं कर पाता है, नहीं दे पाता है, और जिसको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए, उसे हम कहेंगे इनसॉल्वेंट। इसका उल्टा होगा सॉल्वेंट। मैं सॉल्वेंट बताते बताते इनसॉल्वेंट पे आ गया। तो कोई अगर अपने पैसे को, अपने डेट्स को पे कर पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और जो नहीं पे कर पाएगा उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट। बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब वो पैसा जो कि आपको कभी नहीं मिलने वाला। द अमाउंट ऑफ डेट विच इज अनरियलाइजेबल, जो कि आप कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते, फ्रॉम द डेटर हु बिकेम इंसॉल्वेंट। कोई आदमी अगर इंसॉल्वेंट बन गया तो आप अपने उधारी के पैसे को उससे वापस नहीं निकलवा सकते, तो वो पैसा आपके लिए पूरी तरह से लॉस हो गया, तो उसे हम कहेंगे बैड डेट्स। ऐसा डेट, ऐसा उधार जो बैड हो गया है, मतलब खराब हो गया है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना। नाउ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड। आपके पास आपने 100 रुपए का सामान खरीदा था, 80 रुपए का आपने सामान बेचा है, और 20 रुपए का सामान आपके स्टॉक के रूप में आपके पास रखा हुआ है ना। तो उस सामान को ना ही आपने इस्तेमाल किया है, वो बस रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक, है ना। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी गुड, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं, या सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, उसको भी हम स्टॉक ही बोलेंगे। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने सेकंड पार्ट में मैंने आपको कैपिटल से लेकर के आखिर तक का जो भी पॉइंट था सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी टर्म्स हैं। अगर आपको समझ में आया है भाई तो प्लीज एक अच्छा सा थम्स अप देना। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे पक्का बताओ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर आप मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन के बटन को क्लिक करना है, फिर इग्नू बीकॉम में जाना है, और फिर ज्वाइन के बटन को क्लिक करके आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू।